जी की हाल है जी। अज जी असी जा रहे हैं वृंदावन तो श्री गोकुल धाम, तो फिलहाल अं बाजार कर रहे हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह। तो अब सा वृंदावन दूजा दिन ही, तो हूँ असं इतों निकलेंगे तो जावे गोकुल धाम। आओ जी नाश्ता अं कर लिया जे, तो हूँ करते हैं गोकुल धाम जाने की तैयारी। तो वेखते हूँ सानू कित सैटिंग मिलती है, कोई ऑटो वगैरह करते हैं। चलिए अपने कमरे उतों लिए बैग, तो फिर चलिए गोकुल धाम। क्या बना लो जी ऑटो कर रहे तो नहीं चले हैं गोकुल धाम। लो जी अं हम बैठ के ऑटो अं जा रहे हैं जी गोकुल धाम, जो इतों 20 किलोमीटर की दूरी पर आ। तकरीबन ऑटो साडा होया जे रुपया सुनो 20,000 ही लग गया जी गोकुल धाम तक जाने का। जी गोकुल धाम वाल जाते हुए यह है जमुना जी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। लो जी फाइनली अं पहुँच गए जे गोकुल, वृंदावन तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी से ही गोकुल धाम। इस वे टाइम हो रहा जी तकरीबन 12 बज रहे ने। अज असं आए हैं जी गोकुल के नज़दीक श्री रमन रेती जी, यह जगह है जी जिससे भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने दोस्तों नाल रेता खेडिया करते सन। तो आओ देखते हाँ मंदिर के बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो अगर तुम मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब, तो मेरी वीडियो लाइक से शेयर करना ना भूलना। यह है जी आश्रम श्री रमन रेती जी गोकुल। श्री रमन रेती जी आश्रम में एंट्री करते हुए सब तो पहला इत्थे श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर बनिया होया है। यह है जी श्री रमन रेती आश्रम, ये वही जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी रेता विच अपने दोस्तों नाल खेडिया करते सन। तुसीं देख सकते हो इत्थे आए हुए श्रद्धालु रेता विच खेड रहे ने, रेता विच लम्मे पै रहे ने, रेता विच लेट रहे ने। इस मंदिर के बारे ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर की जो रेता है वो तुहाडे कपड़े नाल चिपदी नहीं। तो रमन रेती उही मंदिर है जी जिथे भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने दोस्तों नाल अपने साथियों नाल अपने संगियों नाल रेता विच खेडिया करते सन। तो तुम देख सकते हो जी मंदिर में जिन्हें भी श्रद्धालु आते हैं वो सारे रेता विच लम्मे पै रहे हैं, तो रेता नाल खेड रहे हैं। रमन रेती विच बहुत सारे छोटे छोटे आश्रम भी बने हुए हैं। रमन रेती आश्रम विच भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित बहुत ही खूबसूरत 3D मूर्तियां भी बनिया हुई हैं।
प्यो जी मंदिर श्री रमन रेती की सारी जानकारी पूछते हैं जी। यह स्थान का नाम है रमन रेती। आप भक्तों ने सब दर्शन किए अंदर और रेती का भी दर्शन किया, कैसे भक्त लोटपट हो रहे हैं, क्योंकि यहीं पे भगवान कृष्ण जी इसी रेत पे लोटपट होते थे। जैसे अपने सखा कृष्ण सखाओं के साथ रमण मतलब होता है इस रेत में लोटपट होना, रेती मतलब रेत। जैसे भगवान कृष्ण सखाओं के साथ रमण रेती का लोटपट होते थे, ऐसे ही आपने देखा भक्त लोग यहाँ पे रेत पे लोटपट होते हैं, इसलिए स्थान का नाम है रमण रेती। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमन रेती आश्रम के बिल्कुल सामने हिरन पार्क भी बनी हुई है, जिस विच कि बहुत सारे हिरन ते शतुरमुर्ग भी हैं। तो देखते हैं हिरन पार्क के बहुत ही खूबसूरत दृश्य। श्री रमन रेती आश्रम के बिल्कुल सामने हिरन पार्क भी बनी हुई है। इस हिरन पार्क में बहुत सारे हिरणा के नाल नाल तुसीं शतुरमुर्ग वगैरह भी देख सकते हो। इस जी मेरा रमन रेती आश्रम का ब्लॉग, तुहानू ये वीडियो किस तरह लगी प्लीज़ मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। तो अगर तुम मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब तो मेरी वीडियो लाइक तो शेयर करना ना भूलना। तो चलो मिलते हैं जल्दी एक नवी वीडियो में, तद तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया।